हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को बताएं, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही 10वीं बारी बोर्ड छात्रों के लिए। जी हां, आप सभी को बता देना चाहते हैं, आप सभी के भविष्य से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है, आप सभी देख पा रहे होंगे। जी, आप सभी को बताएं, आपके भविष्य से जुड़ी हुई अभी वार्तालाप होकर चलिए। आप सभी के लिए एक भविष्य को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी गई, जो कि आप सभी प्यारे बच्चों के लिए जाना जरूरी होगा। अगर आप भी 10वीं बारी की छात्रा या उनके अभिभावक हैं या आप उनके शिक्षक हैं, तो आप सभी के लिए इस वीडियो के अंत तक जो जानकारी हम प्रसारित कर रहे हैं वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई अपडेट है दोस्तों। ये अगले आपको 4 मिनट आप सभी के भविष्य में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले। आप सभी को परीक्षा के पेपर की तैयारी किस प्रकार करनी होगी, वह आज खुद शिक्षा मंत्री ने बता दिया कि आप सभी का पेपर कहां से, वह कैसा लिया जा रहा है, कैसा बनाया जा रहा है, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुख्य अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस उससे पहले अभी तक चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने जारी कर दिया है आज का बड़ा मुख्य पैटर्न। जी, आप सभी को बताएं, हाफ ईयरली वो आप सभी को स्कूलों के टेस्ट जो हो रहे हैं, इनकी जैसे टेस्ट संपन्न होते हैं वैसे आप सभी की तुरंत या ब्यौरा उठाकर शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। वह अभी के पाठ्यक्रम को देखते हुए जो स्कूलों में आप सभी का जो टेस्ट हुए हाफ ईयरली हुए, उसमें विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस को देखते हुए 2023 के पेपर को बनाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के अलग अलग जिलों के हिसाब से, जिस हिसाब से जिस जिले का जितना परफॉर्मेंस निकल के आएगा उसमें एक परसेंटेज निकाला जाएगा, उस हिसाब से अलग अलग जिलों का पेपर बनेगा। कहीं तो कठिन बनेगा, कहीं पर सरल बनेगा, तो उस कहीं पर बहुत ज्यादा कठिन बन जाएगा। लेकिन आप सभी को बताएं, इस बार परीक्षा नकल भी वही होगी लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि विद्यार्थियों का जो कोरोना में समय वह उनका बर्बाद हुआ है, वह विद्यार्थियों को इतना ज्यादा लॉस हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को इस बार पूरा उसका फायदा मिलने वाला है, खुद शिक्षा मंत्री ने बताया है। जी, आप सभी को बता देना चाहते हैं, आज खुद ही बताया है कि बड़ी अपडेट जारी करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों के इस बार इतने अच्छे अंकों के साथ पास करेंगे, इतनी अच्छी मात्रा में पास करेंगे कि विद्यार्थी भी इतनी कल्पना नहीं किए होंगे। जी हां, विद्यार्थियों को अभी सचेत करते हुए कहा है कि आप सभी का समय सीमा कम है, फरवरी के 3रे सप्ताह में आप सभी के बोर्ड परीक्षा 2023 का आयोजन कराया जाएगा। यह खुद जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रसारित की गई, आप सभी के लिए बिग ब्रेक न्यूज निकल के सामने आ रही है। समय सीमा को देखते हुए आप सभी को अभी से चेतावनी दे दी गई है कि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द स्कूल का पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने के लिए 20 जनवरी का समय दिया गया है। जी हां, 20 जनवरी के पहले आप सभी का कोर्स को कंप्लीट करा लिया जाए, वहीं आप सभी का पेपर 100% पाठ्यक्रम के साथ बनेगा। लेकिन विद्यार्थियों का पेपर कुछ इस प्रकार बनेगा कि विद्यार्थी बहुत ही अच्छी मात्रा में पास होंगे। जी हां, आप सभी के लिए बिग ब्रेक न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को जो कि सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं आप लोगों को, इसके अलावा अगर आप जानकारी दे दें तो आप सभी को बताएं, सरकार ने बताया कि विद्यार्थियों का पेपर जो होगा, विद्यार्थियों को हर पेपर के 3 दिन पहले आप सभी को सचेत कर दिया जाएगा कि पेपर हिंट आप सभी को दे दी जाएगी कि यहां से पेपर बनेगा। जी हां, मॉडल पेपर को लेकर अभी से अपडेट दे दी गई है कि मॉडल पेपर आप सभी का विद्यार्थियों को जो है अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक का पिछले 10 सालों से जैसा पेपर बनाया जा रहा है अनसॉल्व से, इस बार भी आप सभी का पेपर वहीं से बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट को प्रसारित कर दिया शिक्षा विभाग ने। जी, आप सभी को बता रहे हैं कि सरकार ने बताया कि इस बार पेपर जो है 2023 का वो सत्र 2014 से लगाकर 2022 तक क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉल्व को हल करना होगा। वहीं से हर सत्र में 7 सेट होते हैं, अगर 7 सेटों को आपको रेडी करना होगा। अगर विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत आती, समस्याएं आती, तो कम समय सीमा में अच्छे परसेंटेज वहां से अंक हासिल करने के साथ आप सभी को बहुत ही सुनहरा मौका दिया जाएगा। कॉपियों का मूल्यांकन विद्यार्थियों के हित में होगा। विद्यार्थियों को अभी से सचेत करते हुए बड़ा आदेश जारी कर दिया गया, जो कि सबसे पहले यह जानकारी आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। जी, आप सभी विद्यार्थी ध्यान से फिर से सुनने, आप सभी को अच्छे अंकों को, आपको स्कूल के नोट्स को रेडी करने के साथ में क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉल्व को जरूरी होगा आप सभी के लिए हल करना। सचेत कर दिया सरकार ने, आप सभी की समय सीमा को देखते हुए सरकार ने बताया कि अब इतनी कम समय सीमा में सभी सब्जेक्टों के सभी पाठ्यक्रम को याद करवाना एक विद्यार्थी के लिए इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी को स्कूल समय में तो आप लोगों का ज्यादातर नोट्स लिखने में ही समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे में विद्यार्थी कोचिंग करते हैं, स्कूल करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाते, इसके बावजूद बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का मोरल ना डाउन कर रहे हैं, हम आप सभी को यह बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को इन सभी चीजों का पिछले 5 सालों का इतिहास देखना होगा। इतिहास के साथ आप सभी को दोस्तों बता दें, इतिहास का हमारा मतलब पिछले 5 सालों में जो विद्यार्थी पास हुआ फेल हुए हैं उनका किस प्रकार से कैसा पेपर आया, इन सभी को चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यह विकल्प निकाला विद्यार्थियों के हित में कि विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक से अगर पेपर को हल करेगा, पेपर को याद करेगा, पेपर को समझने का प्रयास करेगा, तो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे जितना कठिन लगता हो आप सभी को, बहुत ही सरल लगने लगेगा, क्योंकि आपको पूरी किताब याद करने की आवश्यकता नहीं होती। मेन क्वेश्चन मेन आंसर को आप याद कर लेंगे। मान लीजिए अगर जो क्वेश्चन बैंक होंगे वहां अगर आप सभी के अच्छे अंक हासिल हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे अंक साथ पास हो जाएंगे दोस्तों, आप सभी को बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं, विद्यार्थियों को अच्छे अंक के साथ ही आप सभी को बहुत अच्छे पास, तो आप सभी को हम बता रहे हैं जैसा कि सरकार ने बताया, विद्यार्थियों को अभी से रेडी करना होगा, बहुत ही अच्छे को अंकों के साथ पास करेगी शिक्षा विभाग। यहाँ शिक्षा विभाग ने बताया कि इस बार पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 96-97% तक होगी, वह कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के प्राप्त अंक जो होंगे वो स्कूलों के अंदर परसेंटेज के हिसाब से अगर माना जाए तो 60% से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका निकल के आया दोस्तों। जानकारी छोड़ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप अपने कौन से बोर्ड से हैं, अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड से जुड़ी कोई